ओके जी ये पेपर है हमारे सामने अक्टूबर नवंबर टू uh, थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू का और उसका एक क्वेश्चन है हमारे पास इसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो क्वेश्चन है वो है इवैल्यूएट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क प्लानिंग एज शी ट्राइज टू रिड्यूस एम एज टोटल लेबर अच्छा लुकिंग एट द केस स्टडी इस पर थोड़ी सी बात हम कर चुके हैं एम ए जो है ये एनिमल एडवेंचर फॉर्म है और ये बेसिकली एक सोशल एंटरप्राइज है इफ यू लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ ये सोशल एंटरप्राइज ने वहाँ एनिमल फार्म्स बना रखे हैं नेचर फार्म्स बना रखे हैं लोग इसको विजिट करते हैं और उससे जो इसको रेवेन्यू जनरेट होता है वो तीन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में स्पेंड करती है ये जो इसकी मालिक है वो ये है कि इक्वलिटी को प्रमोट करना सॉरी इक्वलिटी नहीं कह रहा लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना एजुकेशन देना आ, एनिमल पार्क्स के मुतल जो विजिटर्स हैं उनको और उनको इंस्पायर करना कंजर्वेशन uh, ये तीन तरह के ऑब्जेक्टिव हैं। जब भी हमें सवाल मिलेगा तो हमें ये पता होगा कि कोई भी पी थ्री के अंदर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो uh, हमें उसके रेलिवेंट कोई ना कोई पैराग्राफ लाजम मिलेगा जहाँ से हम पढ़ सकें और उसको आंसर कर सकें लुक एंड पैराग्राफ इंफॉर्मेशन बेसिक है मोस्ट परमानेंट इम्प्लॉइज इंक्लूडिंग टूटर एजुकेशन फैसिलिटी है तो पहली बात हमें ही पता चली कि ज्यादातर उसने फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए हैं केस स्टडी पढ़ना ऐसे है कि हम केस स्टडी को साथ साथ क्रैक करते चले जाएं। जब हम ये लफ्स बोलेंगे, फुल तो हमारे जहन में फौरी तौर पे आना चाहिए ये क्या हार्ड एचरम है ये सॉफ्ट एचरम है तो हमें बताया फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर एम अप्रोच समोडेशन एट पार्क की अदर फैसिलिटीज भी शामिल है

moka shes the owner wants to make the uh, make sure that the parks has enough trained employees however she also aims to reduce ma's labor cost because social enterprise to and the number of permanent job roles roles uh, similar business in country g are also expanding and recruiting more employees dusre country जो है वो एक्सपेंड भी कर रहे हैं इस तरह के बिजनेस एंड दे रिक्रूटिंग मोर एम्प्लॉइज भी ये सिचुएशन है इस सिचुएशन को देखते हुए द एग्जामिनर हैज आस्क्ड अस अ क्वेश्चन इवैल्यूएट द इम्पोर्टेंस टू मोका ऑफ वर्कफोर्स प्लानिंग एज़ शी ट्राइज टू रिड्यूस एमएएज टोटल लेबर कॉस्ट तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने लेबर कॉस्ट रिड्यूस करनी है उसके लिए वर्क फोर्स प्लानिंग की इम्पोर्टेंस हमसे पूछी गई है और ये इस पर सवाल है लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन और फिर हम देखते हैं कि हम सवाल को अटैम्प करने के लिए क्या कर सकते हैं अच्छा जी तो जैसा कि हम कह रहे थे कि वर्कफोर्स जो है uh, प्लानिंग पे सवाल है हम सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हम नॉलेज की चीजें कौन सी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर ताकि वो हम उनको लिख सकें और अगेन आई रिपीट अच्छा ये बारह नंबर का सवाल हमसे टेस्ट होगा पी थ्री में जो बारह मार्क्स की मार्क्स की है वो सेम है बारह मार्क्स मार्क्सम हर सवाल में देर इज टू मार्क्स फॉर नॉलेज टू मार्क्स फॉर एप्लीकेशन टू मार्क्स फॉर अनालिसिस एंड सिक्स मार्क्स फॉर इवेल्युएशन तो ये इस तरह की मार्क्स की हमसे टेस्ट होगी इस तरह के एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर की, की हमसे हैं कि टू मार्क्स नॉलेज के प्रोड्यूस करें टू एनालिसिस के करें टू एप्लीकेशन के करें वेन आई स्पीक नॉलेज मार्क्स तो हम कहाँ से ऑप्टेन करेंगे सारे बच्चे यही समझते हैं अगर वर्क फोर्स प्लान को डिफ़ाइन कर देंगे तो हमें टू मार्क्स मिल जाएंगे ऐसा नहीं है वर्क फोर्स प्लान को डिफ़ाइन करना और उससे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं ह्यूमन रिसोर्स से मुलिक वर्क फोर्स प्लानिंग से मुतलिक उनके उनको अपने आंसर में इस तरह से यूज़ करना है कि उनके मीनिंग भी क्लियर हो जाए और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी उन चीजों के मुतिक मिल जाए यही नॉलेज के मार्क्स हमें देगा जैसे कि हमने वर्कफोर्स प्लानिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया इसके साथ साथ हम रिक्रूटमेंट को यूज कर सकते हैं अपने आंसर में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को यूज कर सकते हैं अपने आंसर में हम अभी हमने यूज किया था सॉफ्ट एचर की टर्म्स यूज करना हार्ड एच आर एम की टर्म्स यूज करना ये भी हमें नॉलेज के मार्क्स दे रहा होगा इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स मिसाल के तौर पे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट इसको यूज करना इसके अलावा टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करना जीरो और कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करना ये सब भी हमें नॉलेज के मार्क्स दे रहा होगा टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अलावा जीरो और कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लेक्सीबल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ट्रेनिंग और उससे रिलेटेड चीज़ें जो एच आर में फॉल करती हैं उसके फंक्शन में फॉल करती हैं वो भी हमें नॉलेज के मार्क्स दे रही होंगी तो पहला चीज़ के नॉलेज के टू मार्क्स स्कोर करने के लिए इनमें से मैक्सिमम चीज़ों को हम अपने आंसर के अंदर इस तरह यूज़ कर रहे होंगे कि उनकी जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए और वो आंसर के साथ रेलिवेंट भी लगे उसके बाद अगले जो टू मार्क्स हैं वो एप्लीकेशन के हैं पूरे आंसर के अंदर हम केस स्टडी को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं ये हमें एप्लीकेशन के मार्क्स दे रहा होगा ओके okay. में कि वो एनिमल पार्क है वो नेचर को प्रिजर्व करता है इसको यूज करना इसके अलावा वहां के स्टडी में हमें पता चला है वॉल्टियर्स हैं जो वहां काम करना चाहते हैं आ, ट्रेनिंग जो लोगों को वो दे रहा है और उसकी वजह से उसको ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज नहीं है इसके अलावा जो एच आर इशूज डिस्कस हुए हैं जैसे कि अभी भी उसको लगता है कि अनट्रेन एम्प्लॉयज़ उसके पास हैं इसके अलावा और भी केस स्टडी से चीज़ों को यूज़ करना मिसाल के तौर पर सफारी व्हीकल्स का एक डिस्कशन है आ, इसी से अगले पैराग्राफ में जो केस स्टडी हमने पढ़ी है Uh, उसी को यूज़ करना हमें क्या दे रहा होगा एप्लीकेशन के मार्क्स दे रहा होगा इसी तरह अगर हम कोई चीज़ें आउटसोर्स करते हैं तो आउटसोर्सिंग का जिक्र भी केस स्टडी के अंदर है वो भी हमें एप्लीकेशन के मार्क्स दे रहा होगा इसी तरह सोशल इंटरप्राइज और उसके कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना भी हमें एप्लीकेशन के मार्क्स दे रहा होगा क्योंकि ये जो एम uh, ए है ये खुद ही सोशल एंटरप्राइज है इसी तरह उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहती है वो तीनों ऑब्जेक्टिव जो भी हमने के स्टडी में देखे उनको यूज करना भी हमें एप्लीकेशन के मार्क्स दे रहा होगा अच्छा अब हम आएंगे एनालिसिस की तरफ जो अगले टू मार्क्स हमने अचीव करने हैं ये टू मार्क्स हैं इसका मतलब नहीं है कि दो दफा एप्लीकेशन करनी है एप्लीकेशन तो हमने केस स्टडी में इस तरह से करनी है कि हमारा जो पूरा आंसर है वो केस स्टडी से ही हमें डेवलप होता हुआ नजर आए पूरे के पूरी जो चीजें हैं वो हम केस स्टडी से ही लें तो इसी बात को हम बेसिकली एप्लीकेशन कहते हैं अब हम आते हैं एनालिसिस की तरफ एनालिसिस में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक वर्कफोर्स प्लान जो है वो कैसे आ, उसको उसको सक्सेसफुल होने में एक वर्कफोर्स प्लानिंग उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में कैसे हेल्प कर सकती है अगर हमें सवाल याद हो तो यह है कि वो उसने अपनी लेबर टर्न ओवर कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो उस पर हम ये सवाल कर रहे हैं कि लेबर टर्न ओवर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वर्क फोर्स प्लानिंग उसको कैसे उसके लिए रोल प्ले कर सकती है तो जाहिर है वर्क फोर्स प्लानिंग के यहाँ पे बेनिफिट्स लिख रहे होंगे और उनको इवेल्यूएट कर रहे होंगे कि वर्क फोर्स प्लानिंग क्या ऐसा करेगी कि बिजनेस की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी <coughs> मिसाल के तौर पर क्या कर सकती है हम फ्यूचर एम्प्लॉइज नीड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या होगा कि हम राइट right इम्प्लॉज रख पाएंगे इसका एनालिसिस होगा चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होगी मैं हमेशा बच्चों को ये बताता हूं कि जब भी एनालिसिस का लफ्स आपके सामने आए तो ऑलवेज रिमेम्बर एनालिसिस इज द नेम ऑफ डिवेल्पिंग देन ऑफ आर्गूमेंट्स जब भी नजर आए तो मीनिंग्स वो फैक्टर्स इसके ऊपर आपका डिसीजन डिपेंडेंट है counter argument देना. इसके अलावा रीजनड जजमेंट देना और वो जो डिस्कशन करना कि किन बेसिस पे हमारा डिसीजन चेंज हो सकता evaluation है ये सब इवेल्यूशन है बट जब एनालिसिस का लफ्स हमारे सामने आया तो इसका मतलब है कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज बता के उसके ऊपर चेन ऑफ़ आर्गूमेंट डिवेल्प करना तो ये फ्यूचर एम्प्लॉयज कैन बी प्रोडिक्टेड अगर हम हम फ्यूचर एम्प्लॉय प्रोडिक्ट कर सकेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल सकेगा कि किस seasons में हाई नीड ऑफ इम्प्लॉय होती है किस सीजन में लो नीड ऑफ एम्प्लॉय होती है तो जब लो नीड ऑफ इंप्लॉय होगी हम लेसर इंप्लॉयज रखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ द जीरो फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल उन जीरो और कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर फिर हम डिसीजन कर रहे होंगे ढेर सारे और अगर हमें जिन सीजन में ज्यादा जरूरत है तो वहां पे हम ज्यादा नंबर ऑफ भी रख सकेंगे परमानेंट एम्प्लॉयज में हमारी कॉस्ट बढ़ेगी और ये सब बेनिफिट हम अचीव नहीं कर सकेंगे नहीं। इसी तरह हम एनालिसिस के अंदर फ्लेक्सीबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करेंगे जिसका मैंने अभी जिक्र किया और फिर उनके यानी वर्क प्लानिंग से ही बेनिफिट अचीव करेंगे और फिर उनकी आगे डिटेल्स हम बताएंगे ठीक है अच्छा जी इसी तरह हम एनालिसिस uh, के अंदर ये यूज करेंगे कि जो हमारे वॉल्टियर्स हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर हम वर्क फोर्स प्लानिंग अच्छे तरीके से कर लें और उससे हमारी कॉस्ट जाहिर है रिड्यूस हो सकती है क्योंकि वॉल्टियर्स को या तो हम बहुत कम पैसे दे रहे होंगे या नहीं दे रहे होंगे तो उससे बिज़नेस की कॉस्ट हम रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसी तरह अगर वर्क प्लानिंग में हम ट्रेनिंग को लिख लें कि अगर हम एम्प्लॉज को ट्रेन कर सकें हमारी नीड्स के मुताबिक और वो हमारी नीड्स के मुताबिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें तो उससे भी क्या बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं Uh, ये कुछ एनालिसिस मैंने बोल दिया इसके अलावा और भी एनालिसिस हो सकते हैं uh, उनको भी हम यूज कर सकते हैं जैसा कि अगर हम रिक्रूटमेंट के वक्त जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उनको एड्रेस करना चाहें तो उसके लिए भी वर्कफोर्स प्लानिंग काफी रोल प्ले कर सकती है लेकिन जो भी हम लिखते रहेंगे एनालिसिस उस एनालिसिस को लिखते हुए उसकी इवेल्यूशन हम साथ में ही करते रहेंगे तो मिसाल के तौर पे हमने लिखा कि फ्यूचर एम्प्लॉय नीड कैन बी प्रोडिक्टेड तो हम कहेंगे कि फ्यूचर में टूरिज्म का बिजनेस तो स्पेसिफिकली अनप्रडिक्टेड होता है कभी भी कोई भी लोग हमारे पास ज्यादा या कम तादाद में आ सकते हैं इसका ताल्लुक वेदर के साथ भी है टिकट प्राइसेस के साथ भी है इसका ताल्लुक उस कंट्री की जो पॉलिसीज हैं इकोनॉमिक या इन्फ्लेशन की जिसकी वजह से लोग वहां पे आ रहे होंगे उसके साथ भी रिलेटेड है तो देर आर मेनी मोर थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस माइट बी डिपेंडेंट तो उसको देखते हुए ही हम प्रडिक्ट uh, कर सकते हैं फ्यूचर में इसी तरह फ्लैक्सीबल कॉन्ट्रेक्ट अगर हम ऑफर तो करेंगे लेकिन हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो जो फ्लैक्सीबल कॉन्ट्रेक्ट हैं वो uh, Uh, कितने गवर्नमेंट uh, उसके बारे में क्या पॉलिसी uh, बनाती है फॉर एग्जांपल वी कैन यूज़ कई इकोनॉमीज़ है वहाँ गिग जो वर्कर्स हैं या जो जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर्स भी मिसाल के तौर पे वहाँ पे पाबंदी लगती जा रही है इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर दीपल टू हायर गिग वर्कर्स और दीरो और वर्कर्स तो जो भी हम पॉइंट लिखेंगे अपना एनालिसिस का उसके साथ ही उसकी इवेल्यूएशन करते जाएंगे और इवेल्यूएशन के करते हुए याद आपने रखना है कि इवेल्यूएशन के अंदर भी एप्लीकेशन होती है एप्लीकेशन खाली एनालिसिस के नहीं अंदर नहीं होती एनालिसिस तो है ही कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस एनालिसिस तो है ही कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस लेकिन याद रखें कि इवेल्युएशन भी जो होती है वो भी कॉन्टेक्चुअल होती है विदाउट एनी कॉन्टेक्स देर इज नो इवेल्यूशन इसके अलावा हम फाइनल जजमेंट अपनी फाइनल इवेल्युएशन के अंदर दे सकते हैं हमारे ख्याल में वर्क फॉर्स प्लानिंग कॉस्ट रिड्यूस कर सकती है कि नहीं कर सकती यू कैन गो इधर वे मैं हूंगा तो मैं कहूंगा कि ठीक है वर्क फॉर्स प्लानिंग कैन कैन रिड्यूस कॉस्ट ये सही है लेकिन वो डिपेंड करता है बहुत सी बातों पे मिसाल के तौर पे वर्क फॉर्स प्लानिंग की अपनी भी लिमिटेशन हो सकती हैं एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स को अब क्या करेंगे फाइनल जजमेंट जब रीजन के साथ हमने दे दी तो उसके बाद हम काउंटर आर्गूमेंट देंगे हम वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर हमारा डिसीजन डिपेंडेंट है जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम मैं कह रहा हूँ कि हम जरा लिमिटेशंस पे बात करें कि वर्कफोर्स प्लानिंग की कौन सी लिमिटेशंस हैं जो जो रिड्यूस करती हैं पॉसिबिलिटी इस बात की कि हम हम अपनी कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर सकेंगे ठीक है इसी तरह हो सकता है कि हम वर्कफोर्स प्लानिंग के बाद कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए कोई और भी उसको बताएंगे वर्क फोर्स प्लानिंग अफेक्टिव होगी अगर हमारी फ्लेक्सिबल अप्रोच ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी अगर हम एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स के साथ कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सके ठीक है और इसके अलावा हम कहेंगे कि कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए और भी बड़े फैक्टर हैं खाली वर्क फोर्स प्लानिंग से कॉस्ट रिड्यूस नहीं होती वहाँ पे अगर कोई वेस्टेजेस हो रही हैं वाइल्ड लाइफ पार्क्स में एनिमल पार्क्स में या नेचर की कंजर्वेशन के वक्त तो वहां पर उन कॉस्ट को रिड्यूस करने से भी बिजनेस की कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है या अगर हम एनिमल की केयर करते वक्त बहुत कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट स्पेंड कर रहे हैं तो उसको भी रिड्यूस करने की जरूरत है और देखना है कि क्या हम उससे कम कॉस्ट में उसी सेम जो हमारा सिचुएशन है उसको लेके यानी एनिमल्स की सेफ्टी भी वैसी की वैसी रहे उनकी केयर भी वैसी रहे और कॉस्ट रिड्यूस हो सके तो वो भी लिख सकते हैं इवेल्यूशन के अंदर तो ये इवेल्यूशन है लेकिन याद रखें कि किन के सिक्स मार्क्स हैं कुछ मार्क्स तो आपको मेन बॉडी ऑफ द आंसर से मिल जाएंगे जब एनालिसिस के साथ आप काउंटर आर्गूमेंट देके के वहां फैक्टर डिस्कस कर रहे होंगे लेकिन रेस्ट ऑफ द मार्क्स आप इवेल्यूशन से ले रहे होंगे जहां आप हमेशा जो मैंने तीन बातें आपको बताता है इवेल्यूशन के अंदर याद रखनी है नंबर वन जब भी इवेल्यूशन करें इवेल्यूटिव स्टेटमेंट दें यानी फाइनल जजमेंट दें विद योर रीजन नंबर टू उसके ऊपर डिस्कशन करें वैल्यूटिव डिस्कशन में तीन फैक्टर कम अज कम डिस्कस करें या काउंटर आर्गुमेंट दें जिसके ऊपर आपका डिसीजन डिपेंडेंट था और नंबर थ्री फाइनल जजमेंट लाजमी तौर पे दें फाइनल कंक्लूजन वैल्यूटिव कंक्लूजन लाजमी तौर पे दें कि ऑन द बेसिस ऑफ एबिस स्टिल आई बिलीव के ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो ये है आ, हमारी वर्क फोर्स प्लानिंग है ये, ये लाजमी तौर पे कॉस्ट को रिड्यूस करेगी तो दिस द डिस्कशन ऑफ दिस ट्वेल्व मार्क्स क्वेश्चन याद रखें आ, वहां पे तो पेपर में जाहिर आपको नजर आ रहा होगा जब आप पेपर कर रहे कर रहे थे मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा अब हमें खाली ट्वेल्व मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और यह ट्वेल्व मार्क्स के क्वेश्चन की ही मार्क्स में है, जो मैंने आपको बताई